मेरी डेली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन पर क्लिक करके बेल आइकॉन को दबाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको एक बहुत ही हैरान कुन खबर सुनाने जा रहा हूँ, जो कि शायद ही आपने कभी सुनी हो कि भारतीय रियासत बहार में एक खातून ने जिस्मानी सफाई ना रखने वाले शौहर से तलाक लेने के लिए अदालत से रजू कर लिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक खातून ने ख्वातीन कमीशन में जमा कराई गई दरख्वास्त में कहा है कि इसका शौहर 10-10 दिन तक नहाता ही नहीं है और ना ही दांतों की सफाई करता है, जिसकी वजह से इसके मुंह से बदबू आती है। सोनी देवी नामी खातून की 2017 में मनीष राम के साथ अरेंज मैरिज हुई थी और मनीष राम को ठीक से बोलना भी नहीं आता, जिसकी वजह से सोनी देवी इससे छुटकारा हासिल करना चाहती है। बहार के ख्वातीन कमीशन ने मियां बीवी को बुलाकर इन्हें समझाया और रिश्ता निभाने के बारे में मजीद सोच विचार करने का हुक्म दिया। कमीशन ने शौहर को रोज़ाना नहाने की ताकीद करते हुए मियां बीवी को दोबारा 2 फरवरी को तलब किया। चलो नहाने का तो हम क्या कहते हैं, वैसे सर्दियों में तो कम ही नहाया जाता है, लेकिन ये जो दांत साफ ना करने वाली बात है ना, ये बहुत दिल में जाके लगती है। तो इस वजह से तो वो बंदी वाकई में सही कह रही, यार मेहरबानी है कि दांत आप ना डेली साफ किया करें। ये बड़ा ही ना एक मतलब फीलिंग्स वाली ये बात होती है कि हस्बैंड किसी का, वैसे मैंने अपनी लाइफ में एक दो बंदे ऐसे देखे हैं जो ब्रश से ना थोड़ा सा दूर भागते हैं, उनको मज़ा नहीं आता ब्रश करने में, तो बहुत गंदी फीलिंग्स आती है यार, उनके पास जाने का भी दिल नहीं करता। खैर एक बहुत ही हैरत अंगेज़ न्यूज़ थी ये, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? वैसे ये काम सिर्फ इंडिया में ही हो सकता है कि बीवी सिर्फ दांत साफ करने नहाने की वजह से शौहर से तलाक ले रही हो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी और हरकतें आपको इंडिया में देखने में मिल सकती हैं। खैर हमें अपनी राय का इजहार कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज़।